इस वक्त की बड़ी घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के एमएम कॉलोनी कब्रिस्तान के पास की है, जहां पर एक युवक को गोली लगी है। पूरा मामला है कि जमीन की मापी के दौरान गोली चली है और एक युवक जिसका नाम है राकेश कुमार, उसको गोली लगी है, जिसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। यह पूरी घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के एमएम कॉलोनी के पास की है, जहां पर कुछ लोग जमीन की मापी कराने गए थे। इसी दौरान कुछ बात को लेके कहा सुनी हुई और चली गोली, जिससे एक युवक को लग गई। वह गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। हम थे, मेरा लकेर दोस्त था, हम लोग गए माफ़ी करा रहे थे। माफ़ी करा रहे थे उसको, आदमी सोचा कि अपने का बात नहीं किया, बोला कि मेरी माँ का जो तो मेरा जमीन है ये वो गाली दिया, कुछ बोल गई नहीं किया। रईस से उठा पिस्टल चला अपने हाथ से, गोली हम चला दी, मारा हम ही को, लेकिन बाहर लग के उससे पहले से ही हम लोग का विवाद। रईस था, उसका एक भतीजा है दुष्कर्म, मुजाहिद है प्लस यासीन है, और एक दो है सब मालूम करने को हम बताए। कहाँ कराने वाले हैं ये सब? साकिब इस्माइल से तबिया कराने वाले हैं। कहाँ पर माफी हो रहा है? एमएम कॉलोनी कब्रिस्तान के पास की ये घटना है। क्या नाम है इनका? इनका राकेश, राकेश सिसवन डाला के पास घर है इनका। पिताजी का नाम होगा? इनका नाम सुरेश प्रसाद, दूरदर्शन प्रसाद। दूरदर्शन प्रसाद,